हमारी दुनिया में रोजाना ना जाने कितनी ही घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन प्राकृतिक घटनाएं या कहें तो प्राकृतिक आपदाएं एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने भर से ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। क्योंकि प्राकृतिक जब अपने विकराल रूप में आती है तो ये कुछ ही पलों में चारों तरफ तबाही का सैलाब ले आती है। वहीं कई बार प्राकृति कुछ ऐसे करिश्मे भी दिखाती है जिन्हें देखकर खुद की आंखों पर जरा सा भी यकीन नहीं आता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैमरे में कैद कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अब अजीब सी दिखने वाली इस मछली को देखिए जिसे देखकर खुद की आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि इस मछली का चेहरा काफी हद तक एक इंसान के चेहरे की तरह ही दिखाई देता है। चाइना और जापान के समुद्री इलाकों में पाई जाने वाली इस मछली के होंठ और सर के साथ साथ मछली का आकार भी काफी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम एशियन शीप हेड रेस रख दिया गया है। इंसानी शक्ल वाली इस मछली की लंबाई 40 इंच और वजन 20 किलोग्राम तक हो सकता है। इस मछली के पास मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन होते हैं, मतलब कि बच्चा पैदा करने के लिए इसे किसी साथी मछली की जरूरत नहीं। ये मछली काफी फ्रेंडली होती है जिसकी वजह से ये इंसानों का साथ काफी पसंद करती है, और जैसे ही कोई गोताखोर इसके इलाके में जा पहुँचता है तो ये उसका काफी खुशी से स्वागत भी करती है। अब आपने भी पेड़ों पौधों पर अलग अलग तरह के कीड़ों मकौड़ों को देखा होगा। प्रकृति ने इन्हें कुछ ऐसी अद्भुत सुंदरता प्रदान की है जिन्हें देखकर हमारा दिमाग चकरा जाता है। जैसे कि अभी इस कैटरपिलर को ही देख लीजिए, आप इसके शरीर के अंदर का एक एक अंग एकदम साफ साफ देख सकते हैं। ये जीव ब्राजील में पाया जाता है जिसे स्किपर कैटरपिलर के नाम से पुकारा जाता है। दरअसल इस कैटरपिलर की स्किन ट्रांसपेरेंट होती है जिसकी वजह से इसके शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी देखा जा सकता है। देखिए कैसे जब ये कीड़ा सांस ले रहा है तब इसकी श्वसन कोशिकाओं में उतार चढ़ाव हो रहा है। कमाल की बात तो ये है कि ये कीड़ा सांस लेने के लिए अपनी नाक का नहीं बल्कि अपने शरीर में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों का इस्तेमाल करता है। वाकई में कुदरत ने इस कैटरपिलर को काफी शानदार तरीके से बनाया है। अगर आप कभी कनाडा जाते हो तो आपको वहाँ की लेक मोरेन को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर कुदरत का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिलेगा जो आपके होश उड़ा देगा। जैसे कि इस वीडियो में ही देख लीजिए, जैसे ये नाविक अपनी बोट से आगे बढ़ते हुए चप्पू को चलाते हैं तो हमें पानी में कांच के टुकड़े दिखाई देने लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये कांच नहीं बल्कि तो सिर्फ बर्फ के टुकड़े हैं जो कि कैंडल आइस का रूप ले चुके हैं। कुदरत का ये अद्भुत नजारा तो तब देखने को मिलता है जब पानी में मौजूद बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े टूटने वाले होते हैं। ऐसे में उन पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो बर्फ के सबसे कमजोर हिस्सों में दरार आने लगती है, और इन दरारों में पड़ने वाले पानी के प्रेशर से ये बर्फ आइस की कैंडल में बदल जाती है। वैसे कि आपने कभी ऐसे दुर्लभ बर्फ को देखा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे अनोखे माउंटेन्स को देखा है? आपको बता दूं कि ये खूबसूरत पहाड़ मिट्टी से नहीं बल्कि नमक से बने हुए हैं। ईरान में एक शहर है जशक, जहां पर आपको नमक से बनी हुई बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिल जाएंगी, जिसे यहाँ के लोग जशक सॉल्ट डोम के नाम से भी पुकारते हैं। ये पहाड़ इस इलाके में करीब 12 किलोमीटर जितने लंबे एरिया में फैले हुए हैं, जहाँ पर नमक से बनी काफी सुंदर गुफाएं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। जहाँ इस इलाके की एक तरफ तो नमक के पहाड़ मौजूद हैं, वहीं दूसरे इलाके की चट्टानें अलग अलग मेटल्स के मिश्रण से बनी है, जिसकी वजह से ये यहाँ के पहाड़ों का रंग लाल, नारंगी, काला और ग्रे दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसे रेनबो माउंटेन भी कहा जाता है। इन पहाड़ों की खूबसूरती को तो और भी ज्यादा बढ़ा देता है, और यहाँ पर होने वाला वाटर इरोशन कुदरत के इस करिश्मे को ईरान के नेचुरल फिनोमिना में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, आपने सलाद के रूप में खीरा तो खाया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा कोई खीरा देखा है जिसके अंदर से उसके बीच बंदूक की गोली की तरह निकलते हैं? खीरे की एक प्रजाति है स्क्वर्टिंग कुकुम्बर। इस कुकुम्बर के पौधे के ऊपर काफी छोटे छोटे करीब 2 इंच के खीरे उगते हैं, जिसके ऊपर काफी छोटे छोटे हरे रंग के बाल भी मौजूद होते हैं। इन खीरों के पास एक काफी खतरनाक हथियार भी मौजूद होता है। इनके अंदर काफी प्रेशर से लिक्विड भर जाता है, और जैसे ही ये प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है तो ये खीरा फट जाते हैं और इनके अंदर से इनके बीज काफी तेज गोली की रफ्तार से ही निकलने लगते हैं। ऐसे में ये बीज 10 फीट तक दूर भी जा सकते हैं, और ये एक्सप्लोशन इतना जोरदार होता है कि अगर ये किसी की आंख पर लग जाए तो उसे काफी तेज दर्द का सामना भी करना पड़ सकता है। हर किसी का सपना होता है पहाड़ पर एक सुंदर सा घर बनाना, जहां पर वो अपनी जिंदगी को काफी सुकून से जी सके। और आज हम आपको इटली का एक ऐसा ही शहर दिखाने वाले हैं जहाँ का हर घर एक ज्वालामुखी की एक चट्टान के ऊपर बना हुआ है। इस जगह का नाम है कलकत्ता वेशिया, जो कि चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। इस शहर में बने हुए इन घरों का निर्माण ईंटों से नहीं बल्कि यहाँ की इन चट्टानों के बड़े बड़े पत्थरों को ही काटकर बनाया गया है। और यहाँ के गांव के घरों से बाहर निकलते ही काफी गहरी खाई देखने को मिलती है, जहाँ पर अगर कोई भी खड़ा हो जाए तो डर के मारे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दूं कि इस गांव की हिस्ट्री करीब 500 साल पुरानी है,
जो कि उस समय के आर्किटेक्चर का एक काफी अनोखा नमूना है। दोस्तों, आपने अभी तक कई तरह के पक्षियों को देखा होगा, लेकिन मेरा दावा है कि आपने आज से पहले ऐसे किसी पक्षी को नहीं देखा होगा। अब जरा सा एक बार इस पक्षी की आवाज को सुन लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई मशीन गन से फायरिंग कर रहा है, लेकिन हकीकत में ये आवाज़ तो इस पक्षी की खूबसूरत चोंच से निकल रही है। इस पक्षी का नाम है शोबिल स्टॉक। ये पक्षी काफ़ी लंबी होती है और इनकी ये चोंच भी काफ़ी बड़ी होती है और मजबूत भी होती है। इन पक्षियों को काफ़ी शांत माना जाता है, जो कि अपनी इस चोंच से कई तरह की अलग अलग आवाज़ को निकालता है। आपको बता दूं कि इन पक्षियों की प्रजाति डायनासोर के समय से हमारी धरती पर रह रही है, जो कि आज बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी है। अब जब अनोखे जानवरों की बात चली रही है, तो जरा इस मछली को भी देख लीजिए। समुद्र की गहराइयों में करीब 800 मीटर की डेप्थ पर एक ऐसा एरिया है जिसे ट्वाइलाइट जोन के नाम से जाना जाता है। समुद्र के इस एरिया में रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं देती है और ये चारों तरफ से अंधेरे से घिरा रहता है। जहाँ पर ये काफी अनोखी मछली रहती है, जिसका सिर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी वजह से इसके सिर के अंदर मौजूद हर एक हिस्से को देखा जा सकता है। माइक्रोपिन्ना माइक्रोस्टोमा नाम की इस मछली का ये ट्रांसपेरेंट हेड इसकी आंखों तक रोशनी को पहुंचाने का काम करता है, जिससे समुद्र की इतनी गहराइयों के घने अंधेरे में भी ये बड़ी आसानी से देख लेती है। साथियों, अब नजर डालिए समुद्र किनारे पर पड़ी इस अजीब सी चीज पर। देखने में ये तो किसी ड्रिल मशीन का हिस्सा लग रही है, लेकिन ये कोई मशीन नहीं बल्कि ये तो एक अंडा है। जी हाँ, ये समुद्र की गहराई में रहने वाला हॉर्न शार्क का अंडा है। ये शार्क काफी अजीब से दिखने वाले कुछ कुछ कांच की शक्ल के ही अंडे देती है, जिन्हें बड़ी बड़ी लहरें चट्टानों से टकरा कर समुन्दर से बाहर उसके किनारों पर पहुंचा देती है। लेकिन इतनी भारी मार के बाद भी अंडा टूटता नहीं है, क्योंकि इसके किनारे इतनी मजबूती से बने होते हैं कि ये भारी से भारी मार को भी काफी आसानी से सहन कर लेता है और इसके बीच वाले भाग पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। और जब इस अंडे को काफी गौर से देखा जाता है, तो इसके अंदर पल रहे बेबी शार्क को भी एकदम साफ साफ देखा जा सकता है। वैसे कुदरत ने हर एक जीव की संरचना उसकी जरूरत के हिसाब से की है। दोस्तों, अब अगला करिश्मा कुदरत का नहीं बल्कि हमारे विज्ञान का है। देखिए कैसे ये जनाब इन फावड़ों पर लगे हुए जंग को हटाने के लिए किसी तरह की आँख का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे चंद सेकंड में ही फावड़े पर लगा ये संग छूमंतर हो जाता है। इसे देखकर किसी को भी खुद की आंखों पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये सच में मुमकिन है, क्योंकि ये आदमी इन फावड़ों से जंग को हटाने के लिए आंख का नहीं बल्कि लेजर का इस्तेमाल कर रहा है। ये लेजर मेटल पर लगे हुए जंग को इतनी तेजी से गर्म कर देता है कि वो गैस के मलबे में बदल जाता है। इसके बाद वो मलबा भाप बनकर फावड़े की सतह से हवा में उड़ जाता है। इससे मेटल पर लगी जंग हट जाती है और वो नई की तरह ही चमकने लगती है। इस प्रोसेसर को लेजर एब्लेशन कहा जाता है। दोस्तों, कई देशों में कैवियर नाम के इस व्यंजन को काफी पसंद किया जाता है। आपको बता दूं कि कैवियर मछली के अनफर्टिलाइज्ड अंडे होते हैं, जिनमें फैटी एसिड, ओमेगा 3 और प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन इन जनाब ने सोचा कि क्या इन कैवियर से मछली को जन्म दिया जा सकता है, जिसके लिए इन्होंने मार्केट से कैवियर का एक डिब्बा खरीद लिया और उसे फर्टिलाइज करके 36 घंटों के लिए पानी में छोड़ दिया, जिसके बाद उसने देखा कि उनमें से कुछ अंडों ने ग्रो करना शुरू कर दिया है। और हैरानी की बात तो ये है कि उनमें से एक अंडे से तो मछली का बच्चा भी बाहर आ चुका था, जिसके बाद ये आदमी उस मछली को पालने लगा और हर दिन उसे बड़ा होते हुए देखने लगा, जिसके कुछ समय बाद वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि इन जनाब को इसे एक तालाब में ही छोड़ना पड़ा। दोस्तों, आपने भी पठान मूवी में दिखाई गई इस लेक को तो जरूर देखा होगा, जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है। ये लेक मौजूद है साइबेरिया में, जिसे बाइकाल नाम से जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बर्फीले तालाब पर साल भर बर्फ जमी रहती है, जिसकी वजह से कई बार तो ये पता ही नहीं चल पाता है कि ये कोई जमीन का हिस्सा है या फिर कोई गहरी लेक। इस लेक के ऊपर अक्सर काफी तेज हवा भी बहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुदरत का एक काफी खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि इस लेक का कांच के जैसा क्रिस्टल क्लियर व्यू तो देखने को मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ तेज चलती हवाओं के साथ बहती हुई बर्फ को भी देखा जा सकता है। इस वीडियो में बर्फ के नीचे मौजूद ठंडे पानी को भी देखा जा सकता है। ये पानी इतना ठंडा है कि अगर इनमें से कोई गिर गया तो उसकी कुल्फी जम जाएगी और हाइपोथर्मिया के चलते उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन इसकी मोटाई इतनी ज्यादा होती है कि अक्सर इसके ऊपर से भारी भारी वाहन भी गुजर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भविष्य में ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली वीडियोस को देखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।